नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के कराची में एक पति ने अपनी पत्नी को टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने के कारण गोली मार दी, साथ ही साथ उसने अपनी सास की भी हत्या कर दी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जरूरत से ज्यादा वजन घटने पर वहां की जनता परेशान। बांग्लादेश के ढाका में हुआ बम विस्फोट, एक बच्चे सहित 7 लोगों की हो गई मौत, 70 लोग जख्मी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहकर संबोधित किया। अमेरिका ने परमाणु समझौते को लेकर इराक और 6 शक्तिशाली देशों में चल रही बातचीत की जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक और सीरिया में एक एयर स्ट्राइक किया। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,67,000 नए मामले देखने को मिले हैं, 7,526 लोगों की हो गई मौत। 20% आबादी को वैक्सीन लगने के बाद कोरोना की नई लहर आने का खतरा हुआ कम। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।